नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। टेक केयर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 4 में नॉगर इंस्टॉल कर सकते हो। दो चीज़ें आपको करना होगा। एक, आपके पास एक PC होना चाहिए, ADB प्रॉपरली सेटअप होना चाहिए और बूटलोडर ज़रूर अनलॉक होना चाहिए। इसके अलावा आप नॉगर का जो प्रीव्यू है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। Xiaomi ने कहा था कि आप एक के नॉगर प्रीव्यू देंगे वो लोग, और वहाँ पे थोड़ा बहुत डेली ड्राइवर की तरफ से आप तरह काम करेगा ये। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ, इंस्टॉलेशन करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों सीरियसली मैंने बूटलोडर अनलॉक किया था, उसका ही प्रूफ है। मुझे पता है आप लोग शायद नाराज़ हो। देखो, बूटलोडर अनलॉकिंग बिल्कुल ही, क्या बताऊँ मैं आपको, एक लक है। किसका पहला दिन में हो जाता है, किसका एक महीना लग जाता है। तो दोस्तों, एंड्रॉयड डिबगिंग ऑन रखना होगा और हमको फास्ट बूट में बूट करना होगा। तो फास्ट बूट में बूट करने के लिए वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को 2-4 सेकेंड पकड़ने के बाद ऐसे यहाँ पे फास्ट बूट मोड आ जाएगा, और उसके बाद पीसी से कनेक्ट करना होगा। तो ये थोड़ा बहुत आपको पीसी लगेगा यहाँ पे, विदाउट पीसी ये नहीं होगा, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो फाइल आपको डाउनलोड करना होगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसको पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये और एक फाइल खोलेगा, और एक रार फाइल आर्काइव, उसको हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना होगा एक डेस्टिनेशन फोल्डर में या फिर डेस्टिनेशन ड्राइव में। तो यहाँ पे मैं मिसेलेनियस जो ड्राइव है मेरा, वहाँ पे इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो करना है हम लोगों को, इसके बाद हम लोगों को मी फ्लैश ऐप जो है Xiaomi का, उसको हम लोग को यूज़ करना है। तो ये रहा मी फ्लैश ऐप, और मी फ्लैश ऐप को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला आता है। देखो, ऑलरेडी मेरा जो फाइल है वो यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुका है, लेकिन मैं फिर से बता दूँ, सिलेक्ट ऑप्शन में जाके जहाँ पे आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है, वहाँ पे आपको ये फोल्डर को, जो फोल्डर है यहाँ पे, फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद ओके, इसके बाद एक बार रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो मेरा फोन है नोट 4 वो यहाँ पे है। इसके बाद मी फ्लैश कॉन्फिगरेशन में जाके MD5 को टिक करके फ्लैश, जस्ट फ्लैश और कुछ नहीं। तो ये लगभग बहुत टाइम लेता है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत टाइम लेता है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तो इसके बाद जब हो जाएगा, सक्सेस दिखा देगा यहाँ पे रिजल्ट में, तो आप जाके फ़ोन को रिबूट करो, और रिबूट करने के बाद फ़ोन कुछ ऐसा दिखने वाला होगा। और हाँ, क्या नॉगट सच में स्प्लिट स्क्रीन नॉगट का कोई फ्यूचर है? तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कुछ नॉगट ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो नॉगट है, गूगल प्ले स्टोर से कुछ नॉगट ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा नॉगट का कोई एक्स्ट्रा फीचर मुझे तो दिखा नहीं, अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको बता दूंगा। और रोम कैसा है यह भी मैं आपको बता दूंगा 2 या फिर 3 दिनों में मेरे फेसबुक पेज पे। तो बीटा रोम में हूँ दोस्तों, और इस वीडियो को मैं आज यहाँ पे ख़त्म करूंगा, क्योंकि इस रोम में सच में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो मास्क के साथ ही रह जाओ। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए आप दोस्तों के साथ, डिसलाइक करना चाहते हो तो कर दो, और सब्सक्राइब करना चाहो तो वो भी कर दो। और भी वीडियोस है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देखो। तब तक के लिए अलविदा, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।